अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और टाइम है 7:30। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो अभी टाइम है तो सुबह का टाइम है, तो इसलिए मैं सुबह सबसे पहले नीचे जाता हूँ। तो वहाँ से एक्चुअली अभी मैं सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ता है, इसलिए अभी मैं सुबह नीचे जाऊँगा और मुझे पानी भी भरना है, और उसके साथ साथ वहाँ से मतलब ब्रेकफास्ट करके फिर ऊपर आना है, फिर अपना डे कंटिन्यू करना है। तो चलिए फिर आज अब नीचे चलते हैं। तो गाइस कि यहाँ पे हम पानी भरते हैं, यहाँ से सब अपने जितने भी सारे पानी चीज़ होते हैं यहीं से लेते हैं, और ये एक्वागार्ड है मेस का, तो यहीं से हम पानी जितना भी सारा है यहाँ से कुछ लेते हैं। यहाँ से अभी मैं पानी भरने वाला हूँ और मैं सीधा अपना ब्रेकफास्ट करके अपने रूम पे चले जाऊँगा, फिर अपना डे कंटिन्यू करेंगे आज के बाद, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कितना फूड अच्छे से रखा गया है, ये ब्रेकफास्ट है। तो गाइस अभी मैं अपना पूरा जितना अभी कुछ 7-8 दिन का जितना सारा फूड दिया जाता है हर दिन का मेनू, अभी आपको मैं पूरा वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब लंच में क्या मिलता है, ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है और डिनर में क्या मिलता है, पूरा कम्प्लीटली आपको दिखाऊँगा, आप एन्जॉय कीजिए गाइस। तो गाइस बात ऐसा कुछ है कि अभी मतलब मैं घर जब चला गया था लॉकडाउन में, तब मेरे बहुत सारे यहाँ से क्लॉथ्स थे तो मतलब बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी इसको साफ करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज लाइफ में मतलब हमारे हॉस्टल में कैसे सब फैसिलिटीज है, जैसे वॉशिंग मशीन में हमारा जो फैसिलिटी मिलता है हॉस्टल में वो कैसे मैं साफ करता हूँ। तो गाइस चलिए अभी मैं आपको ब्लॉग पे सीधा ले चलूंगा और आप बिना वीडियो को स्किप किए देखिए। और गाइस मैं बोलूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो, और आपका भी कोई सुझाव है और सजेशन में तो आप दे सकते हो। गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कम्प्लीटली हॉस्टल का जितना फूड मेन्यू है आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कम्प्लीटली देखेंगे, एंजॉय कीजिए। और आप देख सकते हैं मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या क्या सब मिलता है यहाँ से, आप कंटिन्यू पूरा देखते रहिए। ये जैसे ब्रेकफास्ट लंच हो गया, आप पूरा देखिए अच्छे से, एंजॉय कीजिए गाइज।
अभी आपको मैं अभी किचन के अंदर जाके डिटेल में दिखाने वाला हूँ कैसे कुकिंग होता है, सारा चीज़ डिटेल में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए गाइस। तो गाइस ये है मेरा हॉस्टल का मेस जहाँ पे खाना प्रिपरेशन बनती है, तो आप चारों ओर देख सकते हैं जहाँ पे अभी खाना प्रिपरेशन ऑलरेडी बन चुकी है। तो अभी देखिए अभी मतलब यहाँ से खाना बन रही है, तो देख सकते हैं आप यहाँ से, आपको अभी मैं डिटेल में बताता हूँ इसमें मतलब खाना कुक होता है। एक्चुअली हॉस्टल में क्या होता है कि आपको गैस से खाना प्रिपरेशन होकर देते हैं, तो उससे मतलब हेल्थ का अच्छा ख्याल रखा जाता है हॉस्टल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े गैस होते हैं जो कि घर के साइज से ऑलरेडी बड़ा है, आपको अभी मैं दिखाता हूँ कैसे है उस चीज़। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो नॉर्मल साइज़ है जितना हमारा घर से होता है उसके साइज़ देख सकते हैं बहुत बड़ा है। तो एक्चुअली हॉस्टल में जो खाना बनता है वो गैस से खाना बनता है, तो इसके वजह से यहाँ पे हैवी गैस कंजप्शन होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 400 बच्चों को खाना प्रिपरेशन करके देना पड़ता है, किटी में खाना बनता है। तो आपको मैं बाहर दिखा दिया हूँ कैसे मतलब खाना कितने सारे प्रिपरेशन होता है। एक्चुअली अभी बच्चे कम है बट फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये है गैस जिसके वजह से ये जो उसका है ना चूल्हा है उसका, तो वहाँ से कुक होती है खाना अच्छे से। तो आप देख लीजिए कि मतलब वहाँ से जो बड़े बड़े पाइपलाइंस हैं वो पाइपलाइन से वहाँ से गैस जाती है कि जो कि नॉर्मल हाउस में हो नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट में खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छी सैनिटाइजेशन की अच्छी ध्यान है, तो ठीक ठाक है मतलब डिसेंट है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी सैनिटाइजेशन कंडीशन है, तो यहाँ पर अच्छी खाना क्वालिटी बनती है। तो ये था हॉस्टल का बैक साइड जहाँ पे खाना का जो डिशेस होता है जो बर्तन सारे होते हैं बर्तन वगैरह वो सब वॉश किया जाता है अच्छे से कंडीशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स हैं जहाँ पे डाल के अच्छे से अच्छी सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ किया जाता है, जो कि मुझे हाइजीनिक के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो स्टाफ्स है वो मतलब उनके वॉक बहुत डेडिकेटेड है, उन लोग वो काम में लगे रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमेशा बच्चों का न्यूट्रिशन में ध्यान दिया जाता है, तो इसके वजह से हमेशा वो काम में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों ओर अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोर रूम है, आप दिखा देता हूँ यहाँ, ये देखिए स्टोर रूम में दिख रहा होगा, और यहाँ से जितना भी सारे खाने का सामान है यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। फिलहाल तो ये लॉक है अभी बंद, आपको मैं अंदर भी दिखा देता, फिर भी ये स्टोर रूम है आप जान लीजिए। तो ये रही कंप्लीट मेस टूर, मैं आपको हम सब चीज़ दिखा दिया, जैसे कि हॉस्टल से लेके हॉस्टल का जहाँ से डाइनिंग टेबल से लेके कैंटीन के जहाँ पे कुक किया जाता है वहाँ तक से लेके, और बैक साइड जहाँ पे सारे बर्तन भी साफ़ किया जाते हैं, मैं कम्प्लीटली आपको टूर दिलवा दिया और आपको वीडियो पे दिखा दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब सारे बहुत डेडिकेटेड हैं काम को लेके। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इस टाइप का कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे चैनल में अच्छे से कंटेंट लाने के लिए मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह डालने के लिए। तो आप मुझे कमेंट में सुझाव दीजिए और सजेशन दीजिए कि किस टाइप्स का ब्लॉग बना सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है गाइज़, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एक्चुअली गाइज बात क्या है कि मतलब इसी हॉस्टल के मेस में आज मेरा आखिरी दिन है, लास्ट डे है, तो हम आज के बाद हॉस्टल के मेस चेंज करने वाले हैं। तो आज के जो फूड्स है मैं आपको दिखा दिया और उसको भी दिला दिया, तो अभी मैं जाता हूँ फूड्स अच्छे से खा के फिर से आपका कंटिन्यू करते हैं गाइज। चलिए बाय। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन के क्वांटिटी बहुत अच्छे क्वालिटी में दिया जाता है, और आप देख सकते हैं चिप्स भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिल रहा है, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। आप देख सकते हैं मैं थाली भर के चिकन लेके जा रहा हूँ और उसको मैं एंजॉय करके खाता हूँ गाइस। तो ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल जहाँ पे अभी बैठ के हम लोग खाना खाएंगे, तो अभी मैं खाना गाइस अपना गाइस मैं अपना खाना कंटिन्यू करता हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए तो ये था हॉस्टल का कंप्लीट टूर, और गाइज आपको मैं सारा चीज़ तो बता ही दिया, जैसे कि हॉस्टल के मेस से लेके और हॉस्टल के कैंटीन और स्टूडेंट स्टोर से लेके सारे चीज़ मैं बता दिया, और आज फाइनली सब चीज़ भी बता दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है हॉस्टल, पीछे आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हॉस्टल है,
तो गाइस सारा चीज़ तो आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ वीडियो में कहाँ पे क्या है, तो मतलब वॉशिंग से लेके कैसे बच्चे वॉश करते हैं और जो हॉस्टलर के जो लाइफस्टाइल होते हैं, जो बच्चों का जो लाइफस्टाइल होता है हॉस्टल में, सारा चीज़ आपने कम्प्लीटली इसी वीडियो में मैं नहीं बताया। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं जो इतना मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा सारे वीडियो को एक साथ, तो आप देख सकते हैं मतलब जो भी था मैं डाल दिया। और गाइस ये आप देख सकते हैं ये हॉस्टल का जो नाम है मोरिची हॉल ऑफ रेसिडेंस, तो ये है मतलब हमारे कॉलेज का हॉस्टल है। एक्चुअली हमारे कॉलेज में 12 हॉस्टल्स हैं, तो उसमें से ये एक हॉस्टल है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी हॉस्टल में हम रह रहे हैं मोरिची हॉल ऑफ रेसिडेंस पर। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो आपको मैं अभी बैक साइड से दिखाता हूँ कैसा है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि हॉस्टल की ये आउटर एंट्री है जहाँ से हम एंट्री करते हैं हॉस्टल के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ से चारों ओर दो साइड में, तो यहाँ से आप बच्चे यहाँ के यहाँ से एंजॉयमेंट करते हैं अच्छे से, तो ये एक अच्छा प्लेस होता है हमारे लिए। तो गाइज आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है। तो मैं इस तरह का कंटेंट फ्यूचर में बहुत सारे लाने वाला हूँ, बहुत सारे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ मेरे चैनल्स में आने वाला है, तो इसलिए स्टे ट्यून, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो गाइस ये था मेरा हॉस्टल का कंप्लीट व्यू, और आप देख सकते हैं ये मेरा हॉस्टल का कंप्लीट बिल्डिंग्स था, और आप देख सकते हैं कि मतलब ये मेरा हॉस्टल जो है रोड साइड पर जो कि NH है उससे लगा होकर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब रोड साइड पर है गाइस। ओके